हवाला दिया और इसमें लिखा हुआ इसके पेश लफ्ज में कि हमने ये इस्तफादा किया सेनेट से पाकिस्तान की नेशनल असम्बली से सूबाई असम्बली से, उसके बाद हमने एक वायदे से पत्रकार जो है उनको तरतीब दिया। तो हमने कहा कि जो काम वहाँ पर होता है वो भी आप यहाँ पे करें। और इन्होंने एक ऐसी जो है ना वो डाली है असम्बली के अंदर जो इससे पहले कभी अदालत की असम्बली में नहीं हुई। हमारा ये था कि इसको जो है वो इजलास से पहले जो है वो उठें और उसको जबकि बजट पेश हो उससे पहले उनका कोई भी रुकन जो है वो उसको तहरीक पेश करें कि हम इसको वापस लेते हैं। उस पर स्पीकर रायशुमारी कराया, रायशुमारी कराने के बाद जो है वो फिर उसमें उसके बाद उसका जो है डिस्पोजल किया जाए। और दूसरी गुजारिश जो थी आपसे वो यही है जो नदीम अकबर साहब ने फरमाई है। बात यह है हमने सब ने मिलकर हमने इस सिस्टम को डीरेल होने के लिए नहीं दिया। इसमें पीपल्स पार्टी के भी वो जो थे एतराजात थे, हमारे भी थे। जिस तरह जो है 25 जुलाई का इलेक्शन जो आदाशी पे लड़ा गया, हमने कहा कि हम इस सिस्टम को डीरेल नहीं करते, हमने ऐसा नहीं करेंगे। अब बात यह है कि ये हुआ जो है लेकिन एक वजीर अजम पार्ट भी लेकर बाद चला गया। अब इसके बारे में भी कोई कहता जा रहा है, कोई कहता है जी जल्द ही वो जो पेश की जाएगी, क्या कहते हैं ये अहमदाबाद फिर 6 महीने रह जाएगी। इस तरह ये सिस्टम नहीं चलता। और ये मैं इनको बात बताना चाहता हूँ, अगर आपने यही बात की, बहुत सारे लोग बैठे हुए, एक तरमीम आई थी सिकंदर अयाज साहब के ज़माने से भेजी गई थी कि राजनीत ने सिर्फ सदर और वजीर अजम रहा हो। उसके बाद यह कि हाईकोर्ट की क्या जरूरत है, जब सुप्रीम कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट तो हाईकोर्ट इतने ये रखे, इतने MLA की तादाद 25 करे, ये करे वो करे। ये सिस्टम उसी तरफ ले जाना चाहते हैं कि शायद ये राजनीत में इस सिस्टम की जरूरत रह रही। तो ये एक बेस कैंप था जो है वो आज़ादी की तहरीक के लिए एक मॉडल के तौर पर पेश करना था। अब आपके इलम है कि 25 तारीख को हम सारे 25 मई को जो है वो जा रहे थे चकोटी की तरफ यासीन मलिक के साथ यकजहती का इजहार करने के लिए। और हमने ये भी कहा कि